राजधानी देहरादून में विस्थापित एकता मंच ने विंग कमांडर विक्रांत उनियाल की गौरवपूर्ण उपलब्धि को युवाओं तक पहुंचाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया है। विंग कमांडर विक्रांत भारतीय सशस्त्र बलों में से सेवारत अधिकारी हैं। उनका सपना स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में पृथ्वी के उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना था, जिसके लिए उन्होंने 2022 को अप्रैल महीने में एवरेस्ट अभियान में भाग लिया। 21 मई 2022 को एवरेस्ट शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज और वायुसेना के झंडे के साथ राष्ट्रगान गाया। उनके राष्ट्रीय गान से हिमाचल गूंज उठा और गुमनाम नायकों के प्रयासों और स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलनों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो एक एक्सपीरियंस है ये अविस्मरणीय है। सो दिस होल एक्सपीरियंस इज मेमोरेबल एंड द मेन फीचर इज कि आपको ये मौका एवरेस्ट ने खुद इंडिपेंडेंस के 75वें साल में दिया। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड एवरेस्ट का पूरा जो समय था वो 36 डेज था, बट जो फाइनल वो 36 डेज में आपको एक प्री एवरेस्ट पीक भी करना पड़ता है। वो एक्सपीडिशन वहां से आपको 7-8 दिन लगते हैं बेस कैंप तक जाने में।